हे एवरीवन, आज हम अस्तर वाला प्लाजो कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो हमने नेट फैब्रिक लिया है, वो 2.5 मीटर है और अस्तर फैब्रिक 2 मीटर है। ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हमें हमारा जो अस्तर फैब्रिक है ना, उस पर कटिंग करनी है। तो नेट को साइड करेंगे, अस्तर को इस तरीके से ओपन करेंगे और इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। ये हमारा फैब्रिक 1, 2 और ये हमारी मिडिल फोल्ड, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है ना वो 42 इंचेस है। ऊपर की साइड में 2 इंच का हम कमर बेल्ट रखेंगे। हम यहाँ पर कोई भी फैब्रिक अटैच नहीं करेंगे, हम इसी में कमर बेल्ट को फोल्ड करके बनाएंगे। तो इसलिए हमने ऊपर की साइड में 2 इंच साइड कर दिया इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद इसकी जो लेंथ है ना वो हो जाएगी 40 इंचेस। आपकी जो भी लेंथ हो आप उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले, जो नीचे की साइड में फोल्डिंग में जाएगा। हमें 38 इंच का प्लाजो चाहिए। अब जो भी आपका हिप साइज हो उसे 4 से डिवाइड करें और प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा ले, ताकि हम यहाँ पर लगाएंगे इलास्टिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप 4 इंच ले सकते हो। क्रॉच के लिए हमें 14 पे मार्क करनी है। हमने ऊपर का जो 2 इंच है ना वहाँ से लिया है, और नीचे से लोगे तो आपका क्रॉच 12 इंचेस पे आनी चाहिए। क्रॉच सबके लिए सेम होती है 12 इंचेस। अगर आप थोड़ा हाइट आपका ज़्यादा है तो आप उसे 1 या 2 इंच इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पर हमें 3 इंच का लाइन ड्रॉ करना है और इसे हमें ऊपर वाले क्रॉच से मिला देनी है इस तरीके से कर्व बनाते हुए। और फिर नीचे की साइड में ना हम ना जो भी हमारा फैब्रिक का जितना भी लेंथ है हम पूरा रखेंगे। हमें एक्स्ट्रा घेर चाहिए प्लाजो में, तो हमने 21 इंचेस पूरी ली है और इस डॉट को क्रॉच से मिला देंगे इस तरीके से। स्केल की हेल्प से आप मिला सकते हो। एक प्लाजो को बनाने के लिए हमें इतनी ही मार्किंग करनी होती है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं ऊपर की साइड से स्टार्ट करते हुए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देखिए हमारे प्लाजो की अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें सेम जो हमारा नेट फैब्रिक है ना उसके 4 फोल्ड करनी है, और जो हमारा अस्तर है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और हम सेम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसके ऊपर सेट करना है अस्तर को। और जो अस्तर का फैब्रिक है ना सेम उसके अकॉर्डिंग हमें कट करनी है। बट फ्रेंड्स, नीचे की साइड जो हमारा नेट है ना उसकी जो लेंथ है ना जितना हमारा फैब्रिक है हम पूरा रखेंगे, तो हम यहाँ पर 7 इंच एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और जो 7 इंच हमने एक्स्ट्रा किया है ना उसे हमें क्रॉच को इस तरीके से तिरछी लाइन से मिला देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ना इससे हमारा जो प्लाजो है ना वो साइड से एकदम अच्छा लुक देगा। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर नीचे की साइड में हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसे हटाकर फैब्रिक को रखी है। जो हमारा वर्क है ना हमने वहीं तक की फैब्रिक ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, चलिए हम सेट करते हैं कि हमें सिलाई किस तरीके से लगानी है। तो सबसे पहले जो हमारा अस्तर है ना उसे हम इस तरीके से खोलेंगे, और नेट को भी हमें खोल लेना है। और अब हमें सबसे पहले अस्तर लेनी है। इसके बाद नेट फैब्रिक को हम सीधा करके इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा नेट फैब्रिक है। और फिर फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा वाला नेट फैब्रिक है ना उसे हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हमें फैब्रिक को किस तरीके से सेट करना है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला अस्तर था, सेकेंड पीस ऑफ अस्तर, उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। आपको अस्तर को भी उल्टा करके रखना है और इस तरीके से फैब्रिक को सेट करनी है। और साइड का जो ये वाला क्रॉच था ना फ्रेंड्स, दोनों साइड के क्रॉच पे मार्किंग कर लो और हमें दोनों साइड के क्रॉच में सिलाई करनी है। ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई कर लेने के बाद फैब्रिक को इस तरीके से बीच से पकड़ के ओपन करना है और दोनों साइड की सिलाई को एक दूसरे के साथ करके सेट कर लेनी है। और जो ऊपर का प्लेस था ना वहाँ पर हमें 2 इंचेस की फोल्डिंग करनी है हमें हमारा कमर बेल्ट बनाने के लिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हम ना ऊपर की साइड में 2 इंच का गैप देंगे, क्योंकि हमें वहाँ से इलास्टिक फैब्रिक में सेट करनी है। और हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। सेम जो नीचे का साइड है ना वहाँ पर भी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे, और जो हमारा नेट है उसे भी सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप है सिलाई का। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं, पहले कमर बेल्ट की उसके बाद नीचे की। तो आप देख लो कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर सिलाई किया है।
ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर अपने कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक कट कर ली है और उसे हम पिन की हेल्प से जो हमने गैप छोड़ा था ना उसके थ्रू पास करते जाएंगे और हम फैब्रिक को दूसरे साइड का जो होल है ना उसके थ्रू बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से इलास्टिक को फैब्रिक के अंदर डालनी है और इलास्टिक का जो दोनों साइड है ना उसे हमें एक दूसरे के बराबर करनी है और इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। आप यहाँ पर डबल सिलाई कर लो ताकि आपकी इलास्टिक खुले ना। तो हमने यहाँ पर 3 times सिलाई कर ली है और सिलाई कर लेने के बाद इलास्टिक को फैब्रिक में उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे और जो खुला प्लेस है ना फ्रेंड्स उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। ये वाला जो प्लेस था यहाँ पर हम एक बार दोबारा सिलाई कर लेंगे। सो देखिए इलास्टिक की पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो नीचे का साइड था अब हम उसकी सिलाई कर लेते हैं अपने अस्तर की भी और नेट की भी। हमने 1 side की सिलाई दिखाई है आपको और 2nd side में सेम हमने इसी तरीके से सिलाई कर ली है। सो फ्रेंड्स चलिए सिलाई कर लेते हैं। सो हमारा 2nd step भी कंप्लीट हो चुका है। हमने हमारे नीचे के अस्तर में भी और नेट में भी सिलाई कर ली है एकदम परफेक्ट सिलाई। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारा कमर बेल्ट और नीचे का जो हमारा दामन है वो भी सिल चुका है। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला प्लेस है वी वाला प्लेस अब हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो हमें यहाँ पर जो हमारा नेट है ना उसे अलग सिलाई करनी है और जो हमारी अस्तर है उसकी सिलाई अलग करनी है। सबसे पहले नेट को एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम नेट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। आप पहले इसे एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट कर लो उसके बाद सिलाई लगाना ताकि आपका अस्तर बीच में ना आए। ये सिलाई का 3rd step है और फाइनल स्टेप है। तो चलिए हम अपने लास्ट स्टेप को भी कंप्लीट करते हैं। बट फ्रेंड्स ये नेट की सिलाई हो जाने के बाद हमें अस्तर की भी सिलाई करनी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, नेट की पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर नेट को साइड करेंगे, बीच में रखेंगे और दोनों साइड के अस्तर को एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और लास्टली अस्तर के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे जैसा हमने नेट के ऊपर लगाया है। तो आप देख लो कि हमने अपने लास्ट स्टेप को किस तरीके से कंप्लीट किया है। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहो तो आप हमें दे सकते हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, ये पार्टी वेयर प्लाजो है, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। फाइनली हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए, ये हमारा प्लाजो हमने उसे इस तरीके से मोड़कर हेम कर दिया ताकि जितने भी अस्तर के फैब्रिक निकल रहे थे ना, उसे हमने सेट कर दिया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कमर है ना, वो हमारा अकॉर्डिंग 14 इंचेस मतलब 28 इंचेस का कमर था हमारा। और नीचे की साइड से ये देखिए, ये हमारा घेर एकदम परफेक्ट फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा घेर आया है और ये रेड कलर का फैब्रिक है तो और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 इंचेस की घेर दी है, मतलब वन साइड की, देन सेकेंड साइड भी वो हो गया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे प्लाजो का फाइनल लुक। और नीचे की साइड में ये थोड़ा सा वी शेप का है जो आपको पहनने पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो स्ट्रेट में खड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ के साथ। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ और इस तरीके की न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, कीप सपोर्ट, योर सपोर्ट्स आर रियली वेरी यूजफुल। फ्रेंड्स, मैंने इस प्लाजो को आपको फोल्ड करके भी दिखा दिया कि इसका जो नीचे का जो घेर है ना, वो प्रॉपर दिखे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।